हम लोग पहुंच गए हैं उस मुकाम पे जब हमें सिर्फ अपना जो 9 इंच का एंड्रॉयड प्लेयर है उसको अपने स्टॉक वायरिंग के साथ में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि फ्रेम के साथ में ये 9 इंच का जो हमारा सिस्टम है इसको 4 स्क्रू के साथ कस लिया है। उसके बाद ये फ्रेम क्विड का है क्योंकि गाड़ी ये क्विड है, क्विड में हम लोग इसे लगा रहे हैं। बाकी अगर कोई भी दूसरी गाड़ी है तो उसका फ्रेम मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये वाली जो यूनिट है ये तो कॉमन होती है 9 इंच में, बाकी ये फ्रेम बाहर के चेंज होते रहते हैं। आपकी कोई भी गाड़ी हो, आपकी गाड़ी हेक्टर है, आपकी गाड़ी हुंडई की कोई भी गाड़ी है, आपकी मारुति की कोई भी कार है, आपकी रेनॉल्ट की दूसरी कार्स हैं या टाटा की दूसरी गाड़ियां हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं उन सबके फ्रेम अलग अलग आते हैं। बस ये वाली जो स्क्रीन है ये कॉमन रहती है, इसके फंक्शंस कॉमन रहते हैं। क्योंकि ये दूसरी गाड़ी होती है का फ्रेम होता है तो उसके साथ में इसकी जो स्टॉक वायरिंग है मेन ये वाली चेंज होती रहती है, ठीक है। बाकी जो इसकी दूसरी अदर्स वायरिंग है, कैमरा है या कैमरे की जो वायर्स हैं, कनेक्टर्स हैं, वो तो सेम रहेंगी। जो कार की स्टॉक वायरिंग है जहाँ पे कार से इसको कम्युनिकेशन करना है वो मेल और फीमेल टाइप मिलेगी आपको। आपकी गाड़ी का कोई भी वायर कट नहीं होगा, ठीक है। आपकी कोई भी गाड़ी हो, लोअर मॉडल हो या हायर टॉप मॉडल हो, मिडिल हो, कोई भी हो, तो इस ये क्विड RXT है मेरी। अगर किसी की क्विड RXL है उसमें लगाना है तो उसके कपलर्स भी हमारे पास मेल फीमेल टाइप में हैं। तो आपको केवल परचेज करते वक्त अपनी कार का वहाँ पे मॉडल सिलेक्ट करना है। सही मॉडल आप सिलेक्ट करेंगे विद ईयर और आपको सेम प्लग एंड प्ले नो वायर कट वायरिंग मिलेगी। उसके बाद भी आपको अगर कुछ टेक्निकल हेल्प चाहिए रहेगी तो हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो अभी देख लेते हैं इसको, हमें हम चारों कैमरे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक इंस्टॉल कर चुके हैं और उनकी ये वायरिंग आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे दो वायर ये हैं और दो वायर ये हैं, चार वायर आए हैं जो कि चारों कैमरे के। बाकी ये हमारा जो है ये USB का पोर्ट है जो हमारा यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, इसकी वायर यहाँ पे ये निकली हुई है। दो ये पावर कम्युनिकेशन के लिए है, एक ये वाइट रेडियो का जो एंटीना है वो है, और ये एक ब्लू GPS का जो एंटीना है वो है। हालांकि आपको GPS एंटीना इसके साथ में एक मिलेगा तो आप इसे ही लगाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये इसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट होगा तो इजीली हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे मेरे पास में कन्वर्टर है तो मैं कन्वर्टर लगाऊंगा और कन्वर्टर लगा के मैं इसको यूज़ करूँगा, ये मेरा बच जाएगा। तो इसको चलिए लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये वायरिंग है, कनेक्टर है चारों कैमरे के लिए, तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे करके ये हो गया कनेक्टर, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा लगाते हैं मेन पावर एडाप्टर, ये है इसका, ठीक है, ये लग गया। इसमें दोनों ये कनेक्ट हो जाएंगे, अभी दिखाता हूँ आपको। इसमें दिया है यहाँ पे दो USB, ठीक है, तो इनको भी लगा लेते हैं। ठीक है, वो इसके साथ में हम कनेक्ट कर देंगे। एक अभी इधर लगना है यहाँ,
ठीक है, ये दोनों यूएसबी लग चुके हैं। अब बचता है क्या, अभी बचता है ये जीपीएस। ठीक है, और बचता है हमारा ये रेडियो। बाकी ये अभी इतनी सारी वायरिंग बच गई हैं, मुझे लगता नहीं है इनका अभी काम पड़ने वाला है कुछ। ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं अगर ज़्यादा आपको ये ब्रेक इन, यहाँ ब्रेक ये वाला लगा के आप ब्रेक से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक मुझे तो ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अभी ये वायरिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है, मैं इस डब्बे को पीछे डाल देता हूँ और यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ फटाफट से कि ये कैसे कनेक्ट होगा। तो आप देखते रहिए, यहाँ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ मेन पावर प्लग के साथ में, ये हो गया। दूसरा 24 पिन के साथ में ये मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये चार कलर कोड के हिसाब से हम उसके साथ में कनेक्ट कर देंगे, ये रेड वाला रेड में, येलो वाला येलो में, ब्लू को ब्लू के साथ में और ब्लैक को ब्लैक के साथ में। ठीक है, अभी हमारा बचता है यूएसबी, तो यूएसबी को एक यूएसबी के साथ में मैं ये एक वाइट वायर बचता है जो कि जाएगा रिवर्स सिग्नल में। तो ये मेरा पीछे से रेड लाइट का सिग्नल वायर आया हुआ है जो रिवर्स गियर डालने पे 12 वोल्ट का यहाँ पे कनेक्शन मिलता है, तो पता चलता है सिस्टम को कि ये गाड़ी इस समय बैक गियर में है। तो रिवर्स सिग्नल को हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे और इस पर टेप लगा देते हैं। आपको हो सकता है कि ये एडिशनल कुछ कारों में, जैसे मारुति की गाड़ियां हैं उनमें तो ये ऑलरेडी प्लग के साथ में ही अंदर ही होता है, बाकी कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं लोअर मॉडल में जिसमें अलग से लेना पड़ता है, क्विड में तो ज़्यादातर लेना ही पड़ता है ये। तो इसको आप अलग से एक वायर डाल लीजिए और यहाँ इसके साथ में कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया है मेरा, अभी वाइट है मेरा एफएम का एंटीना और सारे कनेक्शन मेरे यहाँ पे हो गए। अब मैं इसको यहाँ बंद। ठीक है, अब देखते हैं गाड़ी को ऑन करो, ऑन करो एक बार, बस ये बोलता है मेरा। और ये इस टाइप से हमारा जो 360 व्यू है वो स्टार्ट हो गया है। देखिए, वाओ भाई वाह, ये फ्रंट का सीन है, इस समय कैमरा फ्रंट पे दिखा रहा है। ये स्टैंड बाई है, अभी ऑन हुआ है जस्ट, तो अभी ये क्या करेगा, स्टार्टअप मोड है, तो मेरे ख्याल से ये 30 सेकंड के लिए प्रिपेयर हो रहा है और अब ये मेनू में आ गया है अपनी सिस्टम, ऐसे दिखेगा कुछ। सबसे पहले मैं आपको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ।
ये 2GB 32GB एंड्रॉयड वर्जन है इसका 11 सबसे लेटेस्ट में जो अभी आ रहा है। और सेटिंग में जाके हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्या दिखाता है हमें सेटिंग में। मॉडल जो है RK3566 है, एंड्रॉइड वर्जन 11 है, ठीक है। CPU एंड मेमोरी साइज इसका ये है, आप देख सकते हैं 64 बिट 4 कोर कोर्टेक्स A55 1.8 GHz माली G52 GPU है, मेमोरी 2GB है, स्टोरेज 32GB है, ठीक है। ये इसके सिस्टम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जो मेन फीचर है इसका, ये है राउंड एडाज। राउंड एडाज का मतलब है इसका 360 जो कैमरा है उसका फीचर। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ नीचे दिए हैं, जैसे अभी ये फ्रंट और कुछ साइड दिखा रहा है, अभी हम बैक देखते हैं तो बैक में ये कुछ इस तरीके दिखा रहा है। उसके बाद मैं ये लेफ्ट साइड का व्यू है मेरी कार का, ये राइट साइड का व्यू है, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड का व्यू दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है 360 डिग्री व्यू। यहाँ से आप एक अपनी जो कार का वहाँ पे दिखा रहा है कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं ऐसे, और फिर वापस से इसको कस्टमाइज करने के बाद में तो आपको वैसी ही गाड़ी दिखने लगेगी। तो फ्रेंड्स ये है 360 व्यू मेरी क्विड में लगा हुआ है, अभी ये मैंने इंस्टॉल किया तो आपने देखा। अब देख सकते हैं ये मैंने रिवर्स में अभी गाड़ी को मैं ले रहा हूँ, और रिवर्स में कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है। एक्यूरेट मतलब कमाल, इतना अच्छा ये इसका रिजल्ट रहेगा मैंने तो नहीं सोचा था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिजल्ट इसका रहेगा। ये गियर निकालने के बाद में मैंने इसको न्यूट्रल कर दिया, अभी तो न्यूट्रल में आप देख सकते हैं ये चारों तरफ का दिखा रहा है, फ्रंट लेफ्ट राइट बैक। अभी हम यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें व्यू देखना है, अगर हम इस पर करते हैं तो ये फ्रंट का दिखा रहा है अभी, ये हमने रिवर्स का अगर किया तो ये रिवर्स पे आ जाएगा, ये हम लेफ्ट का देख रहे हैं अभी, ये हम अभी राइट का देख रहे हैं। आप राइट में देख सकते हैं मेरी साइकिल यहाँ पे बच्चे की खड़ी हुई है, लेफ्ट में ये देख सकते हैं आप थोड़ी दूर है स्कूटी तो वो दिख नहीं रही है। इसके बाद में ये हो गया लेफ्ट और राइट दोनों साइड का व्यू, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड, और ये 360 व्यू, ये 360 डिग्री व्यू। अगर हम आगे इसी पे चलाते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा डोगी बैठा हुआ है यहाँ पे, और अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये देखिए गाड़ी के टायर तक दिख रहे हैं इसमें, गाड़ी के टायर तक देख पा रहा हूँ मैं। इसमें अभी दूसरी लेफ्ट साइड का देखता हूँ, ये देखिए लेफ्ट साइड के भी गाड़ी के टायर, फ्रंट टायर मुझे दिख रहा है अच्छे तरीके से खूब, और ये तो कमाल हो गया भाई, बहुत शानदार, मैं बहुत खुश हूँ इसे लगा के, बहुत अच्छी क्वालिटी का सिस्टम है ये। इतने पैसों में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको
इतनी अच्छी क्वालिटी के कैमरे, 4 कैमरे इसमें लगे हुए हैं, साथ में ही आ रहे हैं सिस्टम के। और इसमें मैं अभी आज एक चीज़ और ऐड करवाने वाला हूँ, TPMS। TPMS अभी गाड़ी में टायरों में मुझे लगवा के डलवा के लेके आना है, उसके बाद मैं इसमें कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो भी एक पार्ट रह गया है बस, बाकी तो ये अभी आपने देख ही लिया पूरा इंस्टॉलेशन। आपको ये सिस्टम चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, आपको ऑर्डर करने के 5-6 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगी। और ये लिमिटेड अभी हमारे पास में पीसीज हैं कुछ, इसके साथ में अभी शुरू में हम ऑफ़र दे रहे हैं, ऑफ़र आपको वेबसाइट पे जाके पता चल जाएगा। तो आप प्लीज़ अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस सिस्टम को ले लीजिए और अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर सकते हैं। ये 1 मिनट का हमने सेटिंग डाला हुआ था, तो ये 1 मिनट तक दिखाता है, आप चाहें तो दोबारा से इसको ये फिर से 1 मिनट आप पूरा स्क्रीन दिखाएगा, या फिर आप यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। नन कोई भी टाइम अगर आपको परमानेंटली यही देखना है तो आप इसमें सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।